तो गाइस अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है और रात को दूध पूरा बचा था, तो यहाँ पे खोआ चलाया गया है और यहाँ पे है दूध। दूध को मुझे किसी बर्तन में निकालना, निकालने के बाद ये बर्तन मुझे धुलने हैं। सारे बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हैं, किचन का हाल एकदम अस्त और व्यस्त है। लाइट नहीं आ रही, मेरी लाइट का वेट है, लाइट आ जाए तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरी हो रही है आलू पालक की सब्जी और मैं चल रही हूँ इसे धुलूंगी पैन को। पैन के धुलने के बाद यहाँ पे रखा गया है साबुदाना जो एकदम से गाढ़ा हो गया है, रात का है, तो इसमें मैं दूध मिलाऊंगी, दूध और चीनी मिला के इसे और पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसे रख दूंगी, पकता रहेगा मतलब खौलता रहेगा। फिर उसके बाद मैं गूंथूंगी आटा। अभी मैं जस्ट चाय पी के निपटी, बहुत लेट चाय पीती हूँ। चाय पीने मुझे आलस आता है, पीने का भी मन करता है लेकिन आलस भी आता है मुझे आलस। तो यहाँ पे टमाटर रख लेती हूँ, सब्जी मेरा खेतों में टमाटर हो गए ना तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे टमाटर। मम्मी तो तोड़ के खेतों में, गेहूँ के खेत में बहा देते हैं, फेंक देते हैं। ये वाला ख़राब है लग रहा है, इसमें रख दे रहे हूँ, ख़राब होगा तो होगा। और यहाँ पे रखा गया है आटा और मैं फटाक से सामान को सेट, किचन को सेट करूँ और गैस पर रखूँगी। मैं सोच रही थी मटर डालूँ लेकिन डालूँगी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है, आलू और पालक एकदम रेडी हो गई है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है और साबुदाना भी वहाँ बन के रेडी हो गया और हाथ में अभी नहीं धुली हूँ, हाथ में लगा है पूरा आटा। आटा और टाइम हो रहे हैं 8:20, तो फटाक से मैं रोटी और पता है मैं भूल गई और सड़ा हुआ टमाटर सब्जी में डाल दी और ये वाला टमाटर बचा लिया। यानी सड़ा नहीं था, उसकी जो स्किन थी मतलब ऊपर के साइड वाला लेयर वो थोड़ा सा मतलब दाग पड़ गया था। तो चलिए फटाक से रोटी बना देते हैं। सो गाइस किचन का मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैंने किचन में झाड़ू वाड़ू मार दिया, आज पोछा नहीं मार रही हूँ और बर्तन वर्तन सब कुछ धुल ली हूँ। और अब मैं चल रही हूँ फटाक से नहाने, नहाने के बाद मुझे करनी है पढ़ाई। देखती हूँ कितना देर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नींद अभी से आना स्टार्ट हो गई। लेकिन नहाने के बाद एक डेढ़ घंटे तो मूड फ्रेश ही रहता है। और इतने सारे यहाँ पे चेंज रखे गए हैं जो चलते नहीं, ₹1 जो होता है ना गांव में देते हैं सब, ₹1 एक्स्ट्रा, तो जो नहीं चलता वही दे देते हैं, तो यहाँ पे रखा गया है। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे चल रही हूँ सब्जी बनाने। लाइट कट गई है तो यहाँ पे है नमक और वीडियो मतलब रेगुलर बन नहीं पा रहा है इस वजह से कि पढ़ाई चल रही है, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रही है और पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और ब्लॉगिंग भी करनी है। तो यहाँ पे रखी है मेरी चाय, अभी मैंने पी नहीं है, थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चल रही है अभी भी। हाँ ठंडा इसलिए ना गिलास गर्म नहीं लग रहा है ज़्यादा। और वहाँ पे दूध गर्म हो गया, उसकी मलाई पड़ रही दही जमाने के लिए। और यहाँ पे छाछ बना के रख दिया गया, यहाँ पे मम्मी रखी है दही जिसको भाई लोग को खाना होगा। और यहाँ चूल्हे में मैंने आग लगा दी है, जला दी है और कढ़ाई भी रख दी है। मैं चूल्हे में आग जलाऊँगी, जलाने के बाद फटाफट से प्याज, ये प्याज आप लोग देख रहे हैं ये जम गई है। और प्याज एकदम सड़ के मतलब गल के, प्याज मतलब सड़ छोटी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसके अंदर इतनी बड़ी प्याज थी उसके अंदर से धना निकला बस, और ये पूरी पत्ती ये निकल गई थी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो चलिए फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, तब उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने तावा चढ़ा दिया है और आटा मेरी सब्जी हो गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी हो गई। यहाँ से मैं थोड़ा सा निकाली हूँ नमक टेस्ट करने के लिए और मैं रोटी क्या बना रही हूँ, रोटी मतलब एक बेल रही हूँ और यहाँ पे इतना आटा है, मुझे रोटी बनानी है। फटाफट से रोटी बना लेते हैं, तवा देखते हैं लाल हो गया, हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं तवा देखते हैं लाल हुआ कि नहीं हुआ है। तो एक रोटी डाल देती हूँ, मोबाइल मतलब रख देती वीडियो बनने के लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, एक बार पूरा वीडियो बनाओ फिर एडिट करो कट पिट करो, इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सा बनाते रहो। कोई ग्राउंड में कहो की आवाज़ आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं। तो चलिए रोटी बना लेते हैं।
सो गाइस मेरा खाना बन गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ थोड़ी सी बना रही हूँ अपने लिए मिठाई, पास में मोबाइल नहीं लेके जाओ। मैं फटाफट से बर्तन वहाँ धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी, फिर फटाक से जाऊँगी खेतों में, क्योंकि यहाँ पर लग रही है प्याज। अभी मुझे खाना भी खाना है, लेकिन बिना काम फिनिश करे मैं खेतों में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि खेतों में से आऊँ फिर उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता, मतलब घर का और फिर काम करो। तो फटाक से नहा धो के मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं पढ़ूँगी उसके बाद, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सो गाइस यहाँ पे गाजर घिस कर मैंने रखा है, सब्जी हो गई है और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है गाजर हलवा बनाने के लिए। और मैं बाहर चल रही हूँ, थोड़ा सा काम है और एकदम अंधेरा हो गया। मेरे मोबाइल कैमरा मतलब अगर कवर निकाल दूँ तो सही रहता है, लेकिन मेरा बार बार कवर निकालना। अब देख सकते हैं थोड़े से क्लियर आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।